हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैनल नंबर कॉस्मेटिक्स। मेरे चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विंटर मेकअप लुक। मैंने यूट्यूब पे पोल डाला था कि आप लोगों को कौन सा मेकअप लुक चाहिए, तो आपने विंटर मेकअप लुक चूज़ किया गाइस। तो यहाँ मैं सबसे पहले लगाऊँगी एल्फ कॉस्मेटिक्स का प्राइमर, जो कि मेरा फेवरेट है गाइस। एंड ये अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देता है एंड पोर्स को भी फिलअप कर देता है, एंड ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी, जहाँ जहाँ मुझे ओपन पोर्स हैं। वैसे मैं पूरे ही फेस पे अप्लाई करना पसंद करती हूँ, फिर मेरा जो बेस होता है वो बहुत ही फ्लॉलेस आता है। तो गाइस, नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ। तो अच्छे से मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी अपने फेस के ऊपर, क्योंकि मैं रोज़ फाउंडेशन लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ गाइस। रोज़ रोज़ फाउंडेशन लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे फाउंडेशन वैसे भी पसंद नहीं है, जो बहुत से लाइट फाउंडेशन होते हैं ना, मुझे सिर्फ वही पसंद है। तो गाइस, यहाँ मैं पर्पल का ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया था एंड ये बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है गाइस। तो यहाँ अच्छे से मैं पूरे फेस के ऊपर कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ी सी जो कवरेज चाहिए अपने फेस के ऊपर, अच्छा सा बेस जो मुझे क्रिएट करना था विंटर्स के लिए, तो वो मैं सोच रही थी कि चलो मैं कंसीलर के साथ ही क्रिएट करूँगी। तो देखो कितने अच्छा फिनिश आया है गाइस मेरे फेस के ऊपर। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का किस एंड ब्लश जो है वो मैं अप्लाई करूँगी। पिंक कलर का है मेरे पास, तो मुझे ये वाला स्टिक ब्लश जो है गाइस, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मुझे ब्लश लगाना वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्लश जो है ना वो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है गाइस। तो मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन ब्लश लगाना बिल्कुल नहीं छोड़ती। मैं कहीं भी जाऊँ, मैं मेकअप करूँ या ना करूँ, बट मैं ब्लश या फिर टिंट ज़रूर अप्लाई करती हूँ। उससे एक अच्छा सा फ्रेश लुक आ जाता है विंटर्स में। तो वैसे ही जब आपके फेस पे ऐसा फ्रेश लुक हो तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। तो इसका बहुत ही अच्छा फिनिश आया है फेस के ऊपर, तो मैं इसके बाद आइज़ के ऊपर भी यही अप्लाई कर लूँगी। तो ज़्यादा प्रोडक्ट मैं नहीं प्रेफर करती हूँ, अगर आपको डेली बेसिस पे मेकअप करना है तो आप लेस प्रोडक्ट में ही मेकअप करो। ज़्यादा आपको लेयर्स अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। और वैसे भी ये बिगनर्स के लिए है, टीनेजर्स के लिए है, तो वैसे तो ये सब लोग ही कर सकते हैं मेकअप। और वैसे भी लाइट वेट मेकअप होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ गाइस। अच्छे से आपने आईब्रोज़ को फिल कर लो। अगर आपके आईब्रोज़ पहले से डार्क हैं तो आप थोड़ा बहुत फिल करो, तो वो ही बेटर रहता है। तो अच्छे से मैं इसको फिलअप कर लूँगी अपने आईब्रोज़ को। यहाँ मैं थोड़ा सा फ़न कर रही थी, क्योंकि मैं अकेली थी तो बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मेकअप थेरेपी कर लूँ। क्योंकि गाइस, मैं कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो मेकअप थेरेपी करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बेटर फील हुआ। तो यहाँ मैं एल्फ कॉस्मेटिक्स का वाटरप्रूफ आईलाइनर एंड काजल जो है उसको मैं थोड़ा सा अपनी आईज़ के ऊपर अप्लाई करके स्मज कर रही थी। मुझे स्मज वाला आईलाइनर बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस। तो ये जो स्मज लुक होता है ना, आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। तो दोनों आईज़ पे मैंने अप्लाई कर लिया। अब उसके बाद मैं अपने पूरे फेस को कॉम्पैक्ट के साथ सेट कर लूँगी, तो ताकि जो मेरा बेस क्रिएट हुआ है वो थोड़ा स्टे, लॉन्ग स्टे हो। तो अच्छे से मैं सेट कर ली हूँ अपने मेकअप को पर्पल के कॉम्पैक्ट के साथ। और यहाँ पर मैं ब्लू हेवन का ही किसन ब्लश जो है वो मैं अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई करूँगी। एकदम लाइट वेट लगेगा आपको, आप ज़रूर ये मेकअप ट्राई करना गाइस। यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट होता है, और आप देख सकते हो आप डेली बेसिस पे इतना मेकअप अगर करो तो वो काफ़ी है। आपको रोज़ रोज़ फाउंडेशन वगैरह लगाने का ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप लाइट वेट मेकअप भी करोगे, लाइट मेकअप भी रखोगे अपना, तो बहुत अच्छे लगोगे। एंड डेली बेसिस पे आपको अगर ऐसे रहना है घर पे, एक अच्छा दिखना चाहते हो, आप ब्यूटीफुल दिखना चाहते हो, तो आप ये वाला मेकअप क्रिएट कर सकते हो गाइस। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। एंड आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली।